एक ओर जहां अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर नागपुर में भी रामलला के प्रति हर कोई अलग अलग ढंग से अपनी श्रद्धा को निछावर कर रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर के एक सिविल इंजीनियर ने एक अद्भुत चीज का निर्माण किया है। प्रफुल्ल माटेगांवकर ने अपने घर पर अयोध्या के राम मंदिर की 11 फीट की प्रतिकृति बनाई है, जिसकी इन दिनों पूरे शहर भर में चर्चा हो रही है। तो आइए आज बात करते हैं प्रफुल्ल माटेगांवकर से। जी नमस्ते। ये जो हम प्रतिकृति देख रहे हैं, ये मैंने इसका दिवाली में एक्चुअली ये बनाने का सोचा था, क्योंकि मैं दिवाली में छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के मॉडल्स तैयार करता था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस साल जो सब अयोध्या का माहौल सभी जगह है, तो क्यों ना हम राम जी के उस मंदिर की प्रतिकृति यहाँ साकार करें दिवाली में। लेकिन जब उसका मैंने अभ्यास किया तो मुझे एक चीज़ का ध्यान आया कि ये इतना आसान नहीं है। तो मैंने फिर उसको पोस्टपोन किया, पहले उसका स्टडी चालू किया, और फिर दिवाली होने के बाद एक्चुअल जो अपने को नेट पर जो फोटोग्राफ्स अपने को मंदिर के देखने को मिलते हैं, फोटोग्राफ से भी ज़्यादा जो डिजिटल इमेजेस जो बनाई हुई है, जो पर्सपेक्टिव्स बनाए हैं, वो मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए, और उसके ऊपर फिर मंदिर शास्त्र इम्प्लीमेंट करके मैंने मेरा सिविल इंजीनियरिंग जो भी मैं पढ़ा हूँ उसका इम्प्लीमेंटेशन करके सबसे पहले ग्राफिकल ड्राॅइंग्स बनाए, और ग्राफिकल ड्राॅइंग्स बनाने के बाद वो जो अपनी ये जो प्रतिमा बनी है, ये 21 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी और 11 फीट ऊंची, और उसके ऊपर 4 फीट का ध्वजदंड, ऐसे 15 फीट की उसकी ऊंचाई है।